true beat. हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ यासर जावेद एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ मार्कोर क्वेस्ट। और आप देखें, मैं आया हुआ हूँ बलूचिस्तान और पूरा दिन हमने बहुत ज़बरदस्त स्पेंड किया है गोंडरानी में, केव सिटी में बलोची सज्जी बनाई और एक एंशंट साइट हमने देखी, वो सारा इस व्लॉग के अंदर है। आप ज़रूर ये वीडियो एंड तक देखिएगा। और एक चीज़ डिस्क्लेमर, बहुत एपिक जो है ड्रोन शॉट्स आए हुए हैं, डू चेक देम आउट। और ये पूरी व्लॉग में मेरे साथ पूरी जो टीम है, जो क्रू है, मेरे दोस्त हैं, वो सब ने बहुत इन्जॉय किया। होपफुली ये वीडियो आपको भी अच्छी लगेगी। थैंक यू वेरी मच एंड डू इन्जॉय द वीडियो। ओके जी, ऑन अ वे टू गोंडरानी जो केव सिटी कहलाता है, तो रास्ते में ज़रा हमने स्टॉप ओवर किया है, गाड़ी में वापस बैठ रहे हैं और जा रहे हैं गोंडरानी, जिसे केव सिटी, माही पीर या और भी दो तीन नामों से जानी जाती है। हमने माई बलोचानी पे, यानी जो केव सिटी गोंडरानी जिसे कहते हैं, गाड़ी पार्क कर दी है और इसके बाद हम जो है पहाड़ से नीचे उतरने जा रहे हैं। तो बाकी बॉयज़ जो है वो आगे जा चुके हैं और डाउनहिल हमने उतरना है और थोड़ा सा मुश्किल रास्ता है, ये पत्थर है, मोटे मोटे बड़े बड़े पत्थर हैं, इनको क्रॉस करते हुए जाना है और फिर हम जो मेन केव्स वाली जगह है वहाँ पर पहुँच जाएंगे। बॉयज़ नीचे उतर चुके हैं और वो आगे थोड़ा सा जा रहे हैं, मैं पीछे पीछे उनको फॉलो कर रहा हूँ। तो हम बिल्कुल सेंटर में हैं गोंडरानी के, केव सिटी जो है, इसके दो तीन नाम हैं, कोई शहर रोगन भी कहता है, माई बलोचिस्तानी भी कहते हैं और इसको माई पीर भी कहते हैं। तो अब ये वो जगह है जो बिल्कुल इसका जो दरिया गुजरने की जगह है ये वो है। और यहाँ अभी आप मेरे बैक साइड पे देखेंगे थोड़े से जो केव हैं, अपेरेंटली जो घर थे लोगों के जो शायद यहाँ रहते थे उनके, ये रह चुके हैं। अब हम दूसरी तरफ जा रहे हैं और यहाँ का थोड़ा सा जो है वो सोहेल लासी साहब जो है वो बताएंगे। सरदार साहब, थोड़ा सा बताइएगा हमें क्या है अब यहाँ पे। जैसे यासर आपने बताया कि ये जो मेन नदी है वो पानी की वजह से, बारिशों की वजह से काफ़ी गार जो है ना मदम हो गए हैं। अब हम उस तरफ जा रहे हैं जहाँ पे कुछ बचे हुए और कुछ अच्छी हालत में जो गार मौजूद हैं, जिनके ऊपर पानी का या मौसम का असर नहीं हुआ, उसकी उस तरफ जा रहे हैं। थोड़ा सा ट्रैकिंग करनी पड़ेगी तो इंशाल्लाह अभी हम आगे चलते हैं, आपको थोड़े अच्छी कंडीशन में जो है ना वो गार दिखाते हैं। तो चले अभी आगे। बारे में मशहूर है कि मिथ है, अब असल में ओरिजिनल है नहीं है वला आलम, कि यहाँ पे जिन्नात का शहर था, ये जिन्नात का शहर, जिन्नात का शहर था ये, और यहाँ पे जो है ना एक परी आ गई थी, तो जो जिन्नों का सरदार था उसको पसंद आ गई थी, एक मिथ है। बस ये
लोगों की कहानियाँ बनाई हुई हैं, लोगों की कहानियाँ सुनते हैं हम लोग, बस इन्जॉय करते हैं। बाकी है तो ये प्रॉपर सिविलाइजेशन, मैन मेड गार है। अब कब के हैं, कहाँ के हैं, किस ज़माने के हैं, उसकी भी डिफरेंट कहानियाँ हैं। यार जो दोस्त आए हैं उनमें से एक जो हमारे साथ बलूचिस्तान के बेला के दोस्त हैं वो हैं यूसुफ भाई। अगर आप गौर से देखें तो ये यासिर हुसैन में मिल रहे हैं जो टीवी आर्टिस्ट हैं। यार असली जगह जो है ना वो ये है, क्योंकि यहाँ पे वाकई जो केव्स हैं ना जो वो बची रह गई हैं, और वाकई देख के अंदर ऐसा लग रहा है कि अंदर जो केव्स हैं उनके पार्टीशन है। मिसाल के तौर पे अगर आप ये कह लें वन बेडरूम या टू बेडरूम टाइप का इस तरह का सेटअप है अंदर, क्योंकि ये बिल्कुल बैक साइड वाली जगह है, मेन दरिया की पीछे वाली जगह है। तो यूँ हम पीछे की तरफ आए और वाकई बहुत जो है ना यहाँ पे सुकून है। केव का रास्ता सबसे आसान है, मैं इसके अंदर जा रहा हूँ। डर भी लग रहा है, पता नहीं क्या है अंदर। केव के अंदर आए हम, और ये दीवार के साथ जो है वो रैक है, यानी जैसे यहाँ पे ये लोग रखते होंगे अपने दिया या और कोई चीज। और ये इस तरह से ये केबिन है, अंधेरा है, बहुत अच्छा दिख नहीं रहा, बट मैनेजेबल है। बॉयज भी आ चुके हैं अंदर। पानी इधर का बताएं अगर आपको, तो पानी ऐसा ज़बरदस्त है यहाँ का। यहीं से हमने पानी पिया था, यहाँ से मुंह भी धोएंगे अब अपना हम लोग। ये खलील भाई ने जस्ट अभी अभी अपना मुंह धोया है। खलील भाई दिखाएं सारे जगह, चिल हो गए बिल्कुल। यख ठंडा यख पानी। ओके जाने लगे हैं भाई, माई बरोचानी से हम जा रहे हैं, गोंडरानी से वापस जा रहे हैं। बलोची सज्जी हमारा इंतज़ार कर रही है, और वो थोड़ी सी हमने खुद ही कुक करनी है, तो मिलते हैं वहाँ पे। कढ़ाई तकरीबन तैयार है और सज्जी लग चुकी है। हमें थोड़ी सी देर हो गई थी, बट नो प्रॉब्लम। अभी थोड़ा सा सज्जी में थोड़ा सा टाइम है, लेकिन पहले तो हम खाना खा रहे हैं। गुंजाइश नहीं है भूख की, लालू भाई ने बना दिया है। लालू भाई खाना बेहतरीन बनाते हैं, बाकी गपशप बाद में, पहले खाना खाएंगे। भाई खाना रेडी है, कढ़ाई, फ्रेश सैलड, चिकन सब्जी और रोटी, और हम खाने जा रहे हैं। लेकिन एक पीस बाहर लगा हुआ है जिसमें लेग पीस है, वो थोड़ी देर बाद खाएंगे, थोड़ा सा आराम आराम से बन जाए वो, फिर खाते हैं। अरे भाई सब्जी हमारी उतर के, हमने असल में चिकन का प्रोग्राम इसलिए रख लिया था क्योंकि मटन में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, अव्वल तो इसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। तो हमारे जो दोस्त हैं उन्हीं से कहूँगा कि इसकी टांग मुर्गी की पहले सोहेल भाई आप ही तोड़ें टांग। ये टांग यानी ये इतनी गल चुकी है कि टांग ही टेस्टी।
ये रे लालू, ओ लालू पप्पे सही थी ये कीप चुपी यार। ये आसिम भाई, ये हमारे दोस्त हैं और हमने नाइट स्टे भी जो है इनके फार्म हाउस पे किया था। अभी ये हमें जो ये टूम्ब आप पीछे देख रहे हैं, मकबरा देख रहे हैं, एक अंग्रेज का था, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बताने जा रहे हैं क्योंकि ये इन्हीं के इलाके में बेला लसबेला के अंदर है। तो ये इसकी भी जो इंफॉर्मेशन है आसिम भाई से अंदर ज़रा चेक करते हैं। जी इस वक्त हम मौजूद हैं जो ये मकबरा आप देख रहे हैं, ये जनरल रॉबर्ट संडेमन का मकबरा है जो बलूचिस्तान में एजेंट टू गवर्नर जनरल थे और हुकूमत बरतानिया के नुमाइंदे थे यहाँ पर। उनकी यहीं पर लसबेला में, ये जिस वक्त हम जिस जगह पे खड़े हैं यहीं पे इन्होंने एक जिरगा किया था। जब जाम ख़ानदान का आपस में इख्तलाफ था यहीं पे इन्होंने फैसला कराया और कुछ अरसे बाद यहीं जब दौरे पे आए तो यहीं पे उनकी फौतगी हुई, जिसके बाद यहाँ पे इनको दफन किया गया और इस वक्त हम उनके इस मकबरे पे खड़े हैं। और वो एक तारीख साज शख्सियत हैं बलूचिस्तान में, इनका एक बहुत बड़ा नाम रहा है रियासती दौरों में और उन्हीं के जो है एक तारीख हवाले से यहीं पे इनको दफन किया गया। और इस वक्त जो आप पार्क देख रहे हैं, ये इनका एक पार्क भी बना हुआ है जो इन्हीं के नाम से है और ये मौला भी उन्हीं के नाम से मंसूब है, जनरल रॉबर्ट संडेमन के।